हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे स्टॉप वॉच टाइम स्टडी विराम घड़ी अध्ययन समय। नेक्स्ट आप देखते हैं कि स्टॉप वॉच टाइम स्टडी से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आता है इसका मीनिंग, सेकंड है प्रोसीजर और थर्ड है इक्विपमेंट्स। तो फर्स्ट देखते हैं इसका मीनिंग। जो स्टॉप वॉच टाइम स्टडी होती है ये इक्विपमेंट है जिसको कि यूज़ किया जाता है टाइम स्टडी के लिए कि एम्प्लॉयड मेज़र कर सके टाइम को कि कोई भी काम कितने टाइम में कंप्लीट होता है। तो स्टॉप वॉच को यूज़ किया जाता है टाइम स्टडी के पर्पज़ से कि हम उनको एक्यूरेटली जो भी डेसिमल्स में जितना टाइम लगता है, जैसे कि आप देख सकते हैं अगर 0.01 मिनट भी लगता है तो उसको भी हम काउंट करते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो स्टॉप वॉच रिसॉल्व करता है स्पीड को कि 1 रिवॉल्यूशन में पर मिनट में कितनी स्पीड होगी काम करने की, और जो स्टॉपवॉच है वो डिवाइड करता है 100 इक्वल डिवीज़न में स्मॉल हैंड को कि स्टॉपवॉच रिजॉल्व कर सके स्पीड को कि 13 मिनट्स में कितना रिवॉल्यूशन होता है। मतलब ये डिफरेंट वायर डिफरेंट लोगों से प्रैक्टिस करवाता है ताकि वो सही स्पीड को देख सके कि कोई भी काम कितने टाइम में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है इसकी प्रोसीजर। तो फर्स्ट इसमें हम एनालाइज करते हैं जॉब को कि जो भी जॉब की क्या क्वालिटी है जिसको कि अचीव करना है। फिर नेक्स्ट आता है कि हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं क्या की ऑपरेशन है जॉब के टाइमिंग के अकॉर्डिंग। फिर देखते हैं कि कैसे इसकी जो प्रोसीजर है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है मेथड स्टडी डिपार्टमेंट के थ्रू। फिर ऑर्गेनाइज करते हैं रिसोर्सेज को, एक्सप्लेन करते हैं ऑब्जेक्टिव को टाइम स्टडी वर्कर और सुपरवाइज़र के लिए, एक्सप्लेन करते हैं कि जो भी वर्कर है वो डिटेल में चीज़ को समझे, इम्प्रूव करें वर्किंग की क्या प्रोसीजर होगी। नेक्स्ट आता है कि जो भी ऑपरेशंस होता है डिफरेंट एलिमेंट में सेपरेट करता है ताकि हम देख सकें कि कौन से वेरिएबल एलिमेंट्स है। फिर ऑब्जर्व और रिकॉर्ड किया जाता है टाइम को कि कोई भी ऑपरेटर कितना टाइम लेता है। नेक्स्ट आता है कि डिटरमाइन करते हैं कितने नंबर ऑफ साइकल्स किसी भी टाइम में होते हैं, क्या एवरेज टाइम लगता है और उस टाइम को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की रेट को देखा जाता है वर्कर्स के लिए ऑब्जर्वेशन के साथ में, कैलकुलेट किया जाता है क्या नॉर्मल टाइम होगा ऑब्जर्व टाइम से पहले, और उसका यूज़ करके परफॉर्मेंस रेटिंग फैक्टर्स को देखा जाता है। फिर रेट किया जाता है क्या प्रोसेस के अलाउंसेंस होंगे, मतलब कितना आपको रेस्ट देना है, पर्सनल अलाउंसेंस होंगे, स्पेशल अलाउंसेंस होंगे, स्टैंडर्ड टाइम को देखना है और अलाउड टाइम को देखना है। तो एड प्रोसेस अलाउंस में हम ऐड करते हैं कितना रेस्ट टाइम होगा, पर्सनल अलाउंसेस हम दे रहे हैं, स्पेशल अलाउंसेस दे रहे हैं, मतलब हम नॉर्मल टाइम को निकालते हैं कि कोई भी काम को करने में कितना स्टैंडर्ड टाइम लग रहा है। मतलब हो सकता है 10 मिनट लग रहे हैं स्टैंडर्ड टाइम की, आप एक यूनिट को 10 मिनट में बना के कंप्लीट करते हैं, और फिर अलाउड टाइम हो गया कि उसमें हम 3 मिनट एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो नॉर्मल टाइम हो गया 13 मिनट्स। तो स्टैंडर्ड टाइम को डिटरमाइन किया जाता है नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेस। तो ये प्रोसीजर होती है स्टॉप वॉच टाइम स्टडी की। नेक्स्ट आता है क्या इक्विपमेंट्स होते हैं स्टॉप वॉच टाइम स्टडी के, या फिर बोला जाए तो टाइम स्टडी के। तो एक इम्पॉर्टेंट टाइमिंग डिवाइस होता है जिसको कि यूज़ किया जाता है कि हम मेज़र कर सके टाइम को कि कोई भी वर्कर्स किसी भी जॉब को कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है। स्टॉप वॉच एक्यूरेट टाइम को मेज़र करता है इक्विपमेंट्स के थ्रू ताकि आप कंटिन्यूसली देख सकें कि हाफ आवर्स में, 1 आवर्स में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं कि कितना टाइम लगता है। तो जो भी 1 रिवॉल्यूशन होता है उसमें हम बिग हैंड रिकॉर्ड करते हैं 1 मिनट, और इवन जो भी स्केल होता है वो कवर करता है कि 1 मिनट को कैसे कैलिब्रेट किया जाएगा या फिर उसका कितना इंटरवल होगा, उसको 1/100 से हम 1 मिनट को कवर करते हैं। तो इसके मेनली 3 टाइप्स होते हैं स्टॉप वॉच को कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट है नॉन फ्लाई बैक स्टॉप वॉच, सेकेंड है फ्लाई बैक स्टॉप वॉच, और थर्ड है स्प्लिट हैंड और स्प्लिट सेकेंड हैंड स्टॉप वॉच। अब इन सभी को हम डिटेल में देखते हैं। ये होती है हमारी स्टॉपवॉच जिसका कि यूज़ किया जाता है टाइम को कैलकुलेट करने के लिए, जिसमें आप बाहर मिनट्स का है और अंदर सेकंड का है। तो अब इन टाइप्स को हम डिटेल में देखते हैं।
फर्स्ट आता है नॉन फ्लाइंग बैक स्टॉप वॉच। जैसे कि आप स्टॉप वॉच को देख सकते हैं, उसको यूज़ किया जाता है कंटिन्यूस टाइमिंग के लिए। जो इसमें ये बड़ा काटा इसका होता है, इसको लॉन्ग हैंड बोला जाता है और ये मिनट्स को बताता है, और जो ये छोटा होता है इसको स्मॉल हैंड बोला जाता है और ये आवर्स को कैलकुलेट करता है। स्टॉप वॉच को यूज़ किया जाता है कंटिन्यूस टाइमिंग के लिए। जब भी वाइंडिंग नॉब को प्रेस किया जाता है फर्स्ट टाइम, जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर से जब प्रेस किया जा रहा है, जैसे कि यहाँ से इसको प्रेस किया तो ये मूव करने लग गया, ये यहाँ से स्टार्ट हो गया। फिर जब आप सेकंड टाइम इसको प्रेस करते हैं तो ये स्टॉप हो जाती है, यहीं पर रुक जाती है। और फिर जब आप इसको थर्ड टाइम प्रेस करेंगे तो ये ज़ीरो पोजिशन में आ जाएगी और फिर से ये टाइम को कैलकुलेट करना स्टार्ट करते। तो नॉन फ्लाइंग बैक स्टॉप वॉच में आपको कंटिन्यूसली टाइमिंग को, तो इस मेथड में आपको डबल से टाइम को कैलकुलेट करना होगा। मतलब ये स्टॉपवॉच में आपने एक बार किया, आपने देखा एक मेथड कितने टाइम पे कंप्लीट हो रही है, अब फिर उसको ऐड करके फिर दूसरी मेथड, तीसरी मेथड। तो ये नॉन फ्लाइंग बैक स्टॉपवॉच होती है जिसमें कि आपको प्रेस करने पे वहीं पे स्टॉप हो जाती है और फिर से आपको स्टार्ट करना होता है। सेकेंड आता है फ्लाई बैक स्टॉपवॉच। ये दो एलिमेंट पर बेस्ड होती है, टाइम पर और सेकेंड होते हैं। ये फ्लाई बैक स्टॉपवॉच जो होती है वो स्टार्ट होती है, वो स्टॉप हो जाती है स्लाइड की हेल्प से, फिर से प्रेस करके आगे कंटिन्यू कर सकते हो। ये ज़ीरो पे भी आ जाती है और फिर आप इमीडिएटली इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये होती है फ्लाई बैक स्टॉपवॉच कि आप अपनी मर्जी से जब आप काम को रोक रहे हैं तब इसको रोक सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्प्लिट हैंड स्टॉपवॉच। इसको यूज़ किया जाता है ग्रेटर एक्यूरेसी के लिए, आप सेकेंड के एलिमेंट्स को एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सके। तो इसमें फर्स्ट इसको स्टार्ट किया जाता है और फिर इसको ऑब्जर्व किया जाता है। जब भी एक काम, एक एलिमेंट कंप्लीट हो जाता है तो इसको प्रेस किया जाता है, किसी एक हैंड को स्टॉप कर दिया जाता है और अदर जो हैंड होते हैं वो काम करते रहते हैं। फिर रीड किया जाता है कि जो भी फर्स्ट एलिमेंट था कब प्रेस किया गया और उसको कितना टाइम लगा। ऐसे ही सेकेंड टाइम पर भी हम रीस्टार्ट करके, स्टॉप करके और फिर कैलकुलेट करते हैं। मतलब आप काम को डिफरेंट लोगों के अकॉर्डिंग चेक करते हैं और एक्यूरेसी के साथ लिखते हैं कि किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है। या आप टाइम स्टडी का फॉर्मेट देख सकते हैं कि किस तरीके से टाइम को कैलकुलेट किया जाता है। इसमें डेट रहती है, टाइम स्टडी, इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट, ऑपरेशन, डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ साइकिल, स्टैंडर्ड टाइमिंग, जो भी आपने फाइंड आउट किया है। नीचे रहता है इसका कि एलिमेंट डिस्क्रिप्शन कौन सा वाला आपने देखा, ऑब्जर्व टाइम देखा। स्टॉप वॉच की रीडिंग लिखते हैं आप फाइव टाइम में, फिर एवरेज टाइम कितना था, रेटिंग फैक्टर देते हैं नॉर्मल टाइम कितना था और अलाउंसेस और स्टैंडर्ड टाइम। मतलब नॉर्मल टाइम को हम जोड़ते हैं अलाउंसेस में तो हमारा स्टैंडर्ड टाइम निकलता है। तो स्टॉप वॉच टाइम स्टडी के इस वीडियो में आपने पढ़ा, इसका मीनिंग, प्रोसेस, इक्विपमेंट्स। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।